नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को प्रदेश सरकार के 7 साल 7 कमाल विषय पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 7 साल के दौरान हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि किसान की आमदनी दुगनी हो। इसी दिशा में सरकार ने पिछले 7 साल के दौरान कार्य किया है। जीपी दलाल के मुताबिक हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों का किसानों को फायदा भी मिल रहा है। वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी कृषि मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने किसान आंदोलन को वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस की देन बताया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस का हाथ है, जबकि सरकार लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। 200-400 क्यूसिक भी पानी बढ़ जाए तो जमुना का जो सिस्टम है, जिसमें हमारा ये सारा WJC का, इधर शेरों तक का, JLN का और बालोटसा ब्रांच का ये इलाका है, रोहतक, झज्जर और नीचे का सारा दक्षिण हरियाणा, इसके लिए हमने 600-700 करोड़ रुपए के अलग अलग टेंडर भी लगा रखे हैं कि WJC का ऊपर से ऊंचा करें, चौड़ा करें, कैपेसिटी बढ़ाएं, कि 4 महीने बारिश का पानी चलता है। पहले 2600-2700 चलता था, अब हमने बढ़ा के उसको 3200 कर दिया। हमारा टारगेट ये है कि उसको 4 महीने तो कम से कम, जब पानी उपलब्ध है जमुना में, तो 4000 क्यूसेक तक ले जाए और उस पानी को ले जाके कहीं बसाणी बराज भर दें, कहीं तालाब भर दें, कहीं ट्यूबवेलों में डाल लें, कोई खेती करना है तो खेती कर लें। मकसद ये है कि जो हमारे दक्षिण हरियाणा का पानी नीचे जा रहा है उसको, वाटर लेवल को मेंटेन करें। तो ये 3 विषय तो किसान के हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए, सारे विभाग में अब ये फैसला कर दिया है। आपने देखा भी होगा कि पिछले 20-30 साल से राजनीति में कर्मचारी बेचारे अधिकारियों के पीछे या नेताओं के पीछे बदली के चक्कर में याद आता घूमते रहते थे। उस प्रथा को बंद कर दिया। स्वेच्छा से जो रजिस्ट्रेशन भरे वो उसको मिल जाएंगे। और अब सारे हरियाणा में जो विभाग में 80 से ज़्यादा कर्मचारी है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में ले आए। बर्तौसाली आदमियों को ज़्यादा लाभ मिलता था और इस वक्त जो है कि नीति बना के नीतिगत फैसला लेकर के सबको, जो लोकतंत्र में होना चाहिए, सरकार की नीतियों का सबको बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का लाभ मिले, और यही हमारी सरकार की सफलता है और इसी नीति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।